शीतल हो गया, आनंद ही आनंद आ गया, नई चेतना नई ऊर्जा। और दूसरी डुबकी के बाद अब तो तीसरे के लिए हिम्मत नहीं है, पूरा शरीर कपकपी सा हो रहा है, लेकिन फिर भी तीन तो लगाना है ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, तो तीसरी डुबकी भी मैं लगाया, उफन करके बाहर गया। अब आने के बाद इतना आनंद, और फिर अपने अपने वस्त्र को धारण करते हुए गंगा जी को प्रणाम करते हुए देख पा रहा हूं कि ऊपर पहाड़ी पर एक मंदिर है, और उस मंदिर में घंटा नगाड़ा बज रहा है, आरती होने की तैयारी हो रही है। आपस में विचार किया ये कौन सा मंदिर है, तो कुछ लोगों ने बताया जो वहां पहले गए थे, उन्होंने कहा यह मनसा देवी का मंदिर है, तो चलो यहां तक आए हैं दर्शन क्यों ना कर ले, कौन सा सीढ़ियों से मुझे जाना है। गगन मार्ग से तीव्र गति से हम माँ के दरबार में, मनसा देवी के दरबार में हम लोग पहुंचते हैं, और वहां फूल माला लेकर के माँ के सम्मुख हम लोग पहुंचते हैं, माता जी का दिव्य दर्शन होता है। ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करते हुए माँ से अपने अंदर मनी मन प्रार्थना करते हैं, हे मैया इस 84 लाख जीव के बीच से मुझे मानव जन्म मिला है, हे माँ तू तो जन्म देकर पालन पोषण करते हुए इस संसार से हम लोगों को अलविदा तक हमारे साथ रहती हो, हे माँ हमारे अंदर भक्ति दे दो, हमारे अंदर दया दे दो, हमारे अंदर करुणा दे दो, यह शरीर किसी के काम आ जाए, यह जीवन सार्थक हो जाए, ऐसा मुझ में और आनंद भर दो। और फिर तीव्र गति से माँ के दर्शन से करने के बाद गगन मार्ग से ही हम लोग पुनः अपने अपने परिवार जन की याद आती है, अपने अपने छोटा शरीर है इसलिए छोटे से ही पात्र में माँ गंगा जल, माँ के गंगा जल को उसमें लेते हैं, और लेकर के गंगा जल लेकर के पुनः वायु मार्ग से ही हम लोग जब चलते हैं, तो पता लगा इंद्र भगवान की कृपा हुई, थोड़ी सी वृष्टि हमारे शरीर पर फुहारा सा पड़ रहा है, और हम लोग उसी फुहारे के बीच से गगन मार्ग से उड़ते हुए चले आ रहे हैं, बिल्कुल शरीर में थकान नहीं है, ठंड सी लग रही है, हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, और चलते चलते हम पुनः आ गए लखनऊ मलिहाबाद। मलिहाबाद में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा आम भी लिया, आम लेकर के लखनऊ के मार्ग से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से आ गए बरौसा कादीपुर होते इस झारखंड प्रांगण में, और पुनः अपने अपने शरीर को ही मैं देख पाता हूँ, और फिर पुनः सहस्त्रसार से ही अपने उस शरीर में प्रवेश करता हूँ एक नई चेतना नई ऊर्जा के साथ। थोड़ा सा पैर की उंगलियों को हम हिलाएंगे, थोड़ा सा हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे, मेरे अंदर नई चेतना आ गई, नई ऊर्जा आ गई। अब हम आंख को बंद रखेंगे, बाई करवट से हमें उठ करके बैठना है, बाई करवट से उठ करके बैठना है, आंखों को अभी नहीं खोलना है, सिर्फ बैठना है, आंख सबकी बंद रहेगी। सब लोग अपने अपने हाथों को घर्षण कर लो, घर्षण करने के बाद हथेली जब थोड़ी सी गर्म हो जाए उसी के बीच में अपनी आंखों को खोल लो। अच्छा कौन कौन जिन लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, चलो आप लोग बड़ भागी हो,
यहीं बैठे बैठे मन की भावनाओं से ठीक वैसा ही दिखा ना जैसे मैंने बताया, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था। तो यही है मन को एकाग्र करना। क्या है? मन को एकाग्र करना। कुछ करो ना करो, पद्मासन में जब भी समय मिले 10 मिनट नेत्र बंद करके बैठ जाओ। ये संकल्प ले लो कि प्रतिदिन 24 घंटे में मुझे 10 मिनट अपने लिए बैठ जाना है।